अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नईम अब्बासी फ्रॉम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक। मेरी मदर हैं सफ़ूरा बीबी। काफ़ी अरसे से नी में पैन की शिद्दत थी इनको और काफ़ी अरसे तक रही, 2-3 साल का अरसा है ये। मैं काफ़ी अरसे से यानी 3-4-5 साल से ये घुटने की तकलीफ में थी, यानी उठने बैठने में, नमाज पढ़ने में, नमाज में कुर्सी पे पढ़ती थी, कभी थोड़ा हल्का हल्का दर्द भी होता था, मगर जैसे मैं लेटती या बैठती तो फिर मुझे ये दर्द शुरू हो जाता। पहले जो है अंकल आंटी की तरफ से, हमारे जो हैं अंकल आंटी उनकी तरफ से हमें पैगाम मिला के स्टेम सेल का अलखलीज जो है वो करवा रहे हैं, तो उसके बाद हम अलखलीज में आए और डॉक्टर सनोबर और डॉक्टर सलमान की कंसल्टेशन से ये मामला शुरू हुआ। दर्द की शिद्दत के हवाले से जो है मैं कहना चाहूँगा कि अम्मा को काफ़ी देर खड़े होने में परेशानी होती थी, नमाज के लिए परेशान रहती थी, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह दर्द तो बिल्कुल सिरे से गायब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ऑफ कोर्स जब अम्मा को जो है ना वो आराम मिला तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का भी काफ़ी पीस ऑफ माइंड हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और टुमारो वी विल हैव अ प्लान टू विज़िट लाहौर, एक्चुअली वी आर मूविंग लाहौर, इसीलिए कि अम्मा बेहतर फील कर रही हैं और बहुत अच्छा फील हो रहा है, तमाम घर वाले बहुत खुश हैं। अब अल्लाह का करम है कि मुझे काफ़ी आराम है और अब मुझे तकलीफ नहीं है, मैं आराम से चल फिर सकती हूँ। मैं सदका जारिया समझ के ये बात जो है ना अपने तमाम दोस्त अहबाब जितने भी अतराफ़ में हमारे हैं जो सिंस लॉन्ग टाइम सफरिंग फ्रॉम दिस डिज़ीज़, मैं चाहूँगा कि वो लोग तमाम जो है विज़िट करें अलखलीज को, डॉक्टर सनोबर डॉक्टर सलमान से मुलाकात करें और कंसल्टेशन लें। आई बिलीव इंशाल्लाह कि अल्लाह पाक की ज़ात है करने वाली, लेकिन इंशाल्लाह शिफा कामला मिलेगी इंशाल्लाह।